أجَّدَ له दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डार्क एक्शन फिल्म पुष्पा मूवी के बारे में और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना है फिल्म को कितना बड़ा बनाया जाएगा साथ ही साथ में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि फिल्म की हिंदी डबिंग कौन कर रहा है और दोस्तों किसको इस फिल्म के विलन के लिए चूज करा गया है साथ ही साथ में दोस्तों इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर के एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और दोस्तों इस फिल्म के टीजर के बारे में भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के हम सबके बीच में आई है तो दोस्तों अगर आप अल्लू अर्जुन सर के एक डाई हार्ट फैन है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए हिंदी में सबसे पहले चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमारी अपडेट की तरफ वेल फ्रेंड अगर हम बात करें के अंदर आपको अल्लू अर्जुन के साथ में रश्मि का मंडना चांद चांद लगाते तो हुए नजर आ जाएंगी तो दोस्तों इस फिल्म की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस फिल्म को दो पार्ट में बनाया जा रहा है और दोस्तों दोनों पार्ट में काम करने के लिए अल्लू अर्जुन सर ने इस फिल्म के लिए लगभग सत्तर करोड़ रुपए चार्ज हैं पहले दोस्तों इस फिल्म के पहले पार्ट को बनाने के लिए अल्लू अर्जुन सर ने पैंतालीस करोड़ रुपए का चार्ज करा था पर दोस्तों जब उनको बाद में में मालूम पड़ा कि यह स्टोरी दो लाइन बनाई जाएगी और दोस्तों इस फिल्म को दो बार बनाना पड़ेगा तो अल्लू अर्जुन सर ने अपनी फीस कम करकर टोटल पैंतीस करोड़ रुपए का टारगेट सेट करा और दोस्तों दोनों फिल्मों के लिए इन्होंने लगभग सत्तर करोड़ रुपए चार्ज करे हैं साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करी जाए कि फिल्म को हम सबके बीच में कितनी लैंग्वेज रिलीज करा जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह फिल्म हम सबके बीच में हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलया भाषा में रिलीज करी जाएगी और दोस्तों यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जो कि अल्लू अर्जुन सर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म सबसे बिग फिल्म और दोस्तों सबसे मेगा बजट में बनने वाली फिल्म हो सकती है जी हां दोस्तों इस फिल्म की की जो अभी तक की की के बजट अपडेट निकल आ रही है वो यह है कि इस फिल्म को बाहुबली के बजट में बनाया जाएगा यानी कि दोस्तों ढाई करोड़ के बजट में इस फिल्म को हम सबके बीच में बनाया जाएगा जो कि काफी बड़ी बात है साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करी जाए तो इस फिल्म को अगर इन स्क्रीनों पर रिलीज करा जाता है इस टाइम पे तो लगभग इस फिल्म को हम सबके बीच में पूरे इंडिया के अंदर 2000 हजार स्क्रीनों पर लॉन्च करा जाएगा और दोस्तों मुझको भी सुनने के लिए मिल रहा है कि ये फिल्म पर रिलीज हो सकती है हमारे हिंदी तमिल तेलगू कन्नाडा और मलयालम वर्जन में पर दोस्तों क्या आपको लगता है कि करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाना सही रहेगी या फिर गलत कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए दोस्तों साथ ही साथ में हम बात करते हैं मेन मुद्दे की जैसे कि आप सभी को पता है कि अल्लू अर्जुन सर की आवाज़ हमारे हिंदी लैंग्वेज में काफी बेटर और दोस्तों काफी शानदार आती है पर दोस्तों इनकी हिंदी डबिंग कौन

दोनों की ही एक्टिंग काफी शानदार नजर आती है तो दोस्तों आपको हमारी अपडेट कैसी लगी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और, साथ और साथ ही साथ में बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट जानने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जय हिंद वंदे मातरम